अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले सेशन को। यहाँ पे क्या है, बाइनरी सर्च ट्री में से किसी नोड को डिलीट करना। जैसे अभी ये देखा आपने कि ये बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही वर्क कर रही थी, कि आप एलिमेंट्स को प्लेस ही ऑर्डर से करते थे, कि किसी भी एलिमेंट को प्लेस करते थे, जो स्मॉलर वैल्यू है वो नोड के लेफ्ट में आती थी, जो ग्रेटर वैल्यू है या इक्वल वैल्यू है वो नोड के राइट में आती थी। तो यहाँ पे अब किसी नोड को डिलीट करना बाइनरी सर्च में, एज इज कॉमन विद मैनी डाटा स्ट्रक्चर, द हार्डेस्ट ऑपरेशन इज डिलीशन। वंस वी हैव फाउंड द नोड टू बी डिलीटेड, वी नीड टू कंसिडर सेवरल पॉसिबिलिटीज। जब हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। इफ द नोड इज लीफ, इट कैन बी डिलीटेड इमिडिएटली। अगर तो वो आखिरी एलिमेंट है, यानी लीफ नोड है, लीफ से मतलब ये है कि उसके आगे कोई सब चाइल्ड नहीं है, तो उसको तो इमीडिएटली जो है हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इफ द नोड हैज वन चाइल्ड, देन नोड कैन बी डिलीटेड आफ्टर इट्स पेरेंट एडजस्ट ए पॉइंटर टू द बाईपास द नोड एंड कनेक्ट टू इन ऑर्डर सक्सेसर। मसलन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका कोई चाइल्ड है, मसलन इस फोर को डिलीट करना है तो उसका चाइल्ड थ्री है, तो अभी इस थ्री को कहाँ सेट करना है। देखिए, इफ फोर को तो हम क्या करते हैं, जैसे इस फोर को डिलीट करना है तो हमने क्या करना है कि इस थ्री को फिर चेक करेंगे कि ये कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या, द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हैज टू बी मेंटेन्ड आफ्टर दी डिलीट। डिलीट होने के बाद अब वो जो इसकी पोजीशनिंग है वो भी हमने उसको मेंटेन करनी है। वो कैसे करते हैं इसको देखते हैं जी। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस थ्री को इसको डिलीट करते हैं, तो ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो ये डिलीट यहाँ से हो गया, तो ये इसमें देखें ऑर्डर बिट सही है, सिक्स के बाद स्मॉलर वैल्यू इधर है, ग्रेटर इधर है, टू की स्मॉलर वैल्यू इधर है, ग्रेटर इधर है, ये तो ओके हो गई, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरी बात है, दी कॉम्प्लिकेटेड केस इज व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ये उस केस में क्या था, सिर्फ एक एक लेफ्ट ट्री था। इफ नोड हैज वन चाइल्ड, द नोड कैन बी डिलीटेड आफ्टर इट्स पेरेंट एडजस्ट द पॉइंटर टू द बाईपास नोड एंड कनेक्ट इन ऑर्डर। अगर एक ही नोड है, एक ही चाइल्ड है, तो वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है कि नोड को डिलीट कर दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। अब अगली पॉसिबिलिटी ये है कहाँ कि गया फिर आप तो अच्छा भाई, अब इसमें द कॉम्प्लिकेटेड केस इज व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड हैव बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। जब दोनों सब ट्री हो तो तब केस क्या होता है, द स्ट्रेटजी टू रिप्लेस द डेटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ द राइट सब ट्री एंड रिकर्सिवली डिलीट द नोड। क्या है स्ट्रेटजी, क्या है, रिप्लेस करें डेटा ऑफ दिस नोड विद द स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ द राइट। इसको किससे रिप्लेस करेंगे, जो स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ राइट सब ट्री एंड रिकर्सिवली डिलीट दैट नोड। अब जैसे देखिए, मतलब इस टू को डिलीट करना है, और टू का वन इसके बाद वन भी है, फाइव भी है, टू के बाद वन भी है, फाइव भी है, तो हम क्या करेंगे, अब इन ऑर्डर सक्सेसर की डिलीट टू लोकेट इन ऑर्डर सक्सेसर। अब ये इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। अब इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। अब ये राइट सब ट्री कौन सा है, ये, और उसका लेफ्ट मोस्ट सब ट्री कौन सा है, ये थ्री। द इन ऑर्डर सक्सेसर विल नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड, बिकॉज इफ इट डिड दैट चाइल्ड वुड बी द लेफ्ट मोस्ट नोड। तो अब इसमें इसका कोई लेफ्ट सब चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया, इन ऑर्डर सक्सेसर। अच्छा, अब
इस इन ऑर्डर सक्सेसर को इस थ्री को उठा के कहाँ पे ले आए, यहाँ पे, फाइव उधर ही है, ये इन ऑर्डर, ये लेफ्ट सक्सेसर को उठा के यहाँ पे ले आए और फिर क्या किया कि इस थ्री को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये फोर जो है, फोर थ्री डिलीट हुआ तो ये फोर इसके साथ इधर आ गया, यानी और ये यहाँ पे हमारे पास। अब इसका मतलब ये है, अब इसका जरा स्ट्रेटेजी को दोबारा देखें, इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। अब इस राइट सब ट्री में, यानी इसके जितने भी राइट है उसमें से लेफ्ट मोस्ट इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है, वो कौन सा होगा जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा, तो लेफ्ट मोस्ट नोड ये है और उसका कोई चाइल्ड भी नहीं, ठीक है जी। इस तरीके से और फिर ये थ्री जो है इस जगह पे आ गया, रिप्लेस कर दिया, और फिर फाइव के बाद इस थ्री को यहाँ से रिमूव किया तो फोर इसके साथ अटैच हो गया, और ये इस तरीके से हमारे पास ये सिनेरियो आ गया। अब इसकी कोडिंग देखते हैं, ये डिलीशन की कोडिंग जो थी हमारे पास उसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी थी, चले कोडिंग को हम नेक्स्ट क्लास में करें या अभी कर लें, क्या कहते हैं? ये था लेक्चर नंबर 15। तीन के बाद 16 आ गया। अब क्योंकि आप इधर बैठे ही नहीं है तो इसलिए हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। एस ये यहाँ से हमने क्या किया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, और ये वाला सिनेरियो हो गया, और इस तरीके से अब जो है हमारे पास डिलीट इज सी प्लस प्लस प्रोबेबल कॉल आवर डिलीट नोड रूटीन रिमूव हेयर इज द सी प्लस प्लस कोड फॉर रिमूव। चलेंगे ये हमारे पास आ गया कोड फॉर डिलीट, तो इसका नाम हमने क्या रखा कि रिमूव, एक ट्री नोड बनाया उसका एक फंक्शन है रिमूव का फंक्शन, और उसको यहाँ पे ये थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा था कि सी प्लस प्लस में डिलीट का जो कीवर्ड है तो पहले उसमें वो डिलीट का नाम यूज़ किया था, तो वो नहीं यूज़ करेंगे हम, उसकी जगह क्या नाम यूज़ कर लेंगे, रिमूव यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें एक ट्री और इन्फो आ गया डिलीट करने के लिए। अब इसका मैकेनिज्म देखिए जी, यहाँ पे एक ट्री नोड टी बना और इन्फो, अब कंपेयर में क्या है, इन्फो माइनस एस्टिक और ट्री गेट इन्फो, ठीक है जी। ये जो है हमारे पास ये वैल्यू गेट कर रहा है कैसे, अब ये जो माइनस है, माइनस को भी इसने ओवरलोड किया होगा, ठीक है। चलिए जी, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं कि ये वाला जो कोड है, क्योंकि आज की क्लास में ये मुकम्मल नहीं होना, इसको नेक्स्ट क्लास में जो है ये डिलीट का जो कोड है, हम स्ट्रेटेजी हमने देख ली, उस स्ट्रेटेजी को हम नेक्स्ट क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्यों भाई यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। क्यों भाई सीआर, सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
जी कोई क्वेश्चन है सिया, कोई नो सर, बात पूछनी हो? नो सर, चले तो नेक्स्ट जो है हम ये वाली रिलेट की कोडिंग को जो है वो परफॉर्म करते हैं। इससे पहले जो है जो काम किया है उसको परफॉर्म भी करके देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर इसको डिलीट की कोडिंग को भी कर लेंगे। उससे ये होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाएगा। चले जी अटेंडेंस सेंड कर देना मुझे। कर दी सर। ठीक है।